अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वेलकम टू माय चैनल मसूद खालिद ब्लॉग्स। आज हम मॉल ऑफ कतर जा रहे हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ताकि आपको नई से नई वीडियो मिलते रहे। आइए आपको हम मॉल ऑफ कतर दिखाते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वेलकम। आज हम एक और दिन शाम में ही निकले हैं और हम आए हैं कतर मॉल। क्या हाल है जवाब, कैसे हो? ठीक ठाक हो? आज आप किधर लेकर आए हो हमें घुमाने? आज आप लोग घूमने आए हैं कतर मॉल को। सही कम लेकर आज कतर का नया भी दिखाते हैं मॉल वगैरह। वैसे ज़्यादातर आउटडोर घूमते थे, आज थोड़ा इंडोर भी हम आज इंडोर से बोलेंगे। और बहुत बड़ा मॉल है और ये बहुत पुराना मॉल है यहाँ का। ये देखिए जी कतर मॉल की लाइट है। ये यहाँ का सबवे स्टेशन ट्रेन। मॉल ऑफ कतर मॉल में आए हुए। कतर मॉल देखेंगे, आज देखेंगे कितना खूबसूरत है। वैसे बाहर से तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है और हमने काफ़ी बातें सुनी है, तो इंशाल्लाह आज आपको कतर मॉल दिखाते हैं। आइसक्रीम केक वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पर। ये देखें जी ये चॉकलेट वगैरह। ये एक चॉकलेट स्टोर है, यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के चॉकलेट मिलते हैं। टेरी ब्रांच वर्च ब्रांड ज़बरदस्त। टॉय ब्रश का ब्रांड है, इसका स्टोर कैसा ज़बरदस्त। एक्सपेंसिव ब्रांड वगैरह हैं यहाँ टॉय ब्रश, तो मैंने कहा चले इसकी भी थोड़ी सी वीडियो वगैरह बना के दिखाते हैं आपको। कतर ने अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, मुल्क से पैसा लगाया है। एक एक मॉल इतना खूबसूरत बनाया है, एक एक अंदर की उसकी खूबसूरती देखें आप, कितना ज़बरदस्त ये फानूस वगैरह बनाया है। और ये ऊपर देखें शंगरे टाइप का इतना खूबसूरत बनाया है, इतना महंगा। तो यानी अपने मुल्क पे, अपने मुल्क के मॉलों पर इन्होंने सिर्फ पैसा खर्चा किया हुआ है ताकि पब्लिक जो है ना यहाँ के खुश रहे। बर्कशा ये ब्रांड कनाडा में मैंने तो नहीं देखा हुआ, लेकिन सुना बड़ा अच्छा ब्रांड है यहाँ, अच्छे कपड़े वगैरह इसके अच्छे महंगे से हैं। ये देखें जी कतर मॉल क्या खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये इन्होंने अच्छे फवारे वगैरह लगाए हुए हैं, ये लाइटिंग एलईडी लाइट्स है, ये ऊपर के फानूस वगैरह चेक करें आप, बहुत ही खूबसूरत और आला मेयार का मॉल है, बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ इन्होंने। ये हॉट एंड चिकन
सिर्फ बर्गर ट्राई किया, यहाँ आए थे बर्गर खाने के लिए, तो बर्गर ट्राई किया। बर्गर फ्रोजन कस्टर्ड फ्राइज शेक फ्लोट्स, ये देखो जी कतर मॉल बड़ा खूबसूरत है, बड़ा पैसा लगाया हुआ है इन लोगों ने एक एक चीज़ पे, डेकोरेशन पे, लाइटिंग पे। ये जो है ये कतर मॉल है जी। ये देखें, ये बच्चों के लिए भी बड़ी फन की जगह है, फन राइड्स वगैरह है, यहाँ तरह के झूले वगैरह है, बच्चों के गेम्स वगैरह, प्ले ग्राउंड है, फन एरिया है, बच्चों के प्ले एरिया है। यहाँ कतर मॉल का फूड कोर्ट। ये देख रही क्या मज़ा आ रहा है भाई, इतना खूबसूरत मॉल, इतना उसके अंदर की लाइटिंग वगैरह बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है कि बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है, लाइटिंग वगैरह, स्टोर्स वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त है, खूबसूरत है, मज़ा आ जाए इंसान को देखने का। ये देखें ऊपर से मॉल, मॉल चेक करें आप, अच्छा खूबसूरत मॉल। भाई क्या खूबसूरत मॉल है कतर के, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत जगह है। लाइक मैं पहले दूसरे भी कंट्रीज में काफ़ी फिरा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इवन के वेस्टर्नाइज कंट्री के भी मॉल इतने खूबसूरत नहीं होते जितने यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने पैसा लगाया है और उसको अपने मुल्क के सही ऊपर ख़र्चा किया है उसको खूबसूरत बनाने के लिए, चाहे वो आर्टिफिशियल है, चाहे वो नेचुरल है, हर लिहाज से, चाहे वो लाइटिंग है, चाहे वो डेकोरेशन है, हर चीज़ पर पैसा लगा के, ताकि अपना मुल्क उनका जो भी विजिटर्स आए देखें और वो कहें कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या कंट्री है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट ज़रूर लिखें, इंशाल्लाह ताकि आपको नई से नई वीडियो मिलती रहे और आपकी फ़ीडबैक से मैं इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर वीडियो बनाता रहूँ। रास्ते में चलते चलते हमने अहमद बिन अली और अल रायान स्टेडियम को भी बाहर से ही देखा, क्योंकि ये स्टेडियम बंद था इस वक्त। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।